देखिए, ये पिछले साल जो भंडारा ओम सेवा हर हर महादेव मंडल ने किया था, इस साल भी प्रेस क्लब ही दिशाहित हुआ है सबका, कमेटी का, और 23 तारीख को हम इसमें भंडारा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और भोले की इच्छा तक ये चलता रहेगा। पिछली बार की भांति इस बार भी ओम श्री हर हर महादेव सेवा मंडल द्वारा कांवड़ियों की सेवा के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे प्रेस क्लब का, जिन्होंने हमें अपने प्रेस क्लब के प्रांगण में स्थान दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी हम कांवड़ियों की सेवा अपने हृदय के भाव से करेंगे, और इस बार हमने अपनी टीम को बढ़ाया है। उस टीम में कुछ लेडीज़, कुछ बच्चे भी शामिल हुए हैं, और हम ये चाहेंगे कि पिछली बार जिस तरह से हमने भंडारे का कार्यक्रम किया था, इस बार और ज़्यादा, और बड़े स्तर पर, और ज़्यादा हम सुविधाएं उनको दे सकें। जी जी, कांवड़ियों के लिए सारी सुविधा, सोने की, रहने की सारी सुविधा, और झांकियों की व्यवस्था, और जिस तरह से पिछली बार हमने मिठाइयों का कार्यक्रम किया था, इस बार वो हम और ज़्यादा अच्छा, अगर भगवान शिव का आशीर्वाद रहा तो उनके आशीर्वाद से और बड़े स्तर पर किया जाएगा। भोलेनाथ जी की कृपा से जो है ये तीसरी बार जो है भंडारे का आयोजन होने जा रहा है, और हर बार प्रयास यही रहता है कि अच्छे से अच्छा करें, झांकियां होंगी। और इस बार हमने जो है 3 तरह की टीम बनाई है, पुरुषों की टीम अलग रहेगी, महिलाओं की टीम अलग रहेगी, और बच्चों की टीम अलग रहेगी, कि हमें भी वहाँ पर सेवा करने का मौका मिले। तो इस बार आप देखना, छोटे छोटे कन्याएँ और छोटे छोटे बच्चे, उन्हीं से सेवा कराएंगे, और उद्घाटन भी हमारे छोटे छोटे बच्चे और कन्या ही करेंगे इस कांवड़ सेवा को। ओम हर हर महादेव सेवा समिति की ओर से प्रेस क्लब पे इस बार जो है बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से शिव भक्तों की सेवार्थ कांवड़ सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए प्रेस क्लब रुड़की संगठन के साथ तन मन धन के साथ पूरा सहयोग करेगा, और जो व्यवस्थाएँ होंगी उनमें पूरा हर संभव सहयोग करते हुए व्यवस्था को पूरी दुरुस्त चुरुस्त कराएगा, और जो भी होगा प्रेस क्लब भी अपने माध्यम से भी शिव भक्तों की जो सेवा होगी, जो भी जिस भी स्तर से होगी वो पूरी करेगा। हर हर महादेव। ये जो कांवड़ सेवा हम जो कर रहे हैं लगातार 2-3 वर्षों से करते आ रहे हैं, और इस बार भी हमारा है बड़ी धूमधाम से, और पहले साल की अपेक्षा और ज़्यादा हम करेंगे। इसमें जो भी कांवड़ यात्री हमारे पास आएंगे उन्हें पूरी सुविधाएँ देंगे, खाना भी रहेगा उसमें, सब मेडिकल का दवाई भी रहेंगी, जो भी उनकी हर तरह से उनका पूरा सहयोग हम करेंगे। रहने रुकने की व्यवस्था जब कांवड़िया रुकता है शिविर में तो उनकी व्यवस्थाओं को इसमें पीछे थोड़ा सा हम टेंट लगा देंगे, तो जितनी हमारे पास जगह है उसमें जो भी है हमारे पास वो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सब अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम इस रुड़की क्षेत्र में निवास करते हैं, और यह उत्तराखंड का द्वार है, और यहीं से होकर सभी भोलों को गंगा जल लेने के लिए जाना पड़ता है, और हमें उनकी सेवा करने का मौका, अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना भी हो सके हम भोलों की सेवा जितना बढ़ चढ़ के कर सके, हम, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्रगण और हमारे समिति के सदस्य सभी लोग लगे रहेंगे। हमारा तो कहना इतना है कि सर्वप्रथम तो आप सभी प्रेस क्लब के जितने भी हमारे सदस्य हैं जिनके प्रांगण पर यह कार्यक्रम हो रहा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इस भंडारे में आप लोग उतना ही सहयोग हमें दें जितना इस हमारे भंडारे के सदस्य इसमें सहयोग करेंगे। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस पुण्य कार्य में हम लोगों के साथ हैं।